भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित कोविड-19 के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। पिछले कल धर्मशाला में 526 मामले आए, मंडी जिला में 184 मामले आए और पूरे प्रदेश में दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों की यह दशा है कि मरीज जो है वेटिंग में खड़े हैं, बेड उपलब्ध नहीं है। और यह दृश्य आज न्यायालय परिसर का है, यहाँ पे इतने तादाद में लोग आए हुए हैं कि कोरोना विस्फोट होने में बिल्कुल भी देर ना लगे। जब हिमाचल प्रदेश में स्थितियाँ यथावत थी, ठीक स्थितियाँ थी, तो यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन आज दिन प्रतिदिन जो है स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। आज दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है, पंजाब में शुरू होने वाला, हरियाणा में शुरू होने वाला है, वहाँ से लोग भी जो है बॉर्डर में हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। कुंभ से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोई चेक नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रिकॉशंस नहीं ली जा रही है। हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यह विनम्र आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश को कृपया कर कोरोना की सैरगाह ना बनने दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के लोगों का जीवन अमूल्य है, इसको बचा कर रखें। और जो स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, वो इस प्रकार की भयावह स्थितियां जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उसके कारण ही हो रही है। अतः इमीडिएट जो है सख्ती बरती जानी चाहिए, चेक लगाना चाहिए और लोगों को भी जो है एहतियात बरतनी चाहिए। और जो नेता लोग हैं उनको पूरे कार्यक्रम जो है एक प्रकार जो है स्कूलों को बंद किया जा रहा है, कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, दूसरी प्रकार से ऐसे भीड़ इकट्ठी की जा रही है, यह बहुत ही निंदास्पद है, स्नेहास्पद है। हम दोबारा जो है सरकार से, कांग्रेस की तरफ से भी आग्रह भी करते हैं और आक्षेप भी करते हैं कि वो तुरंत शीघ्र कार्यवाही करें और हिमाचल प्रदेश को जो है कोरोना हब बनने ना दिया जाए, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होंगे। धन्यवाद। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।